ਅਸੀਂ ਅੜੇ ਜਿੱਤੇ ਖੜੇ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ। तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इस तरह के वीडियो बनाना चाहते हो तो इस तरह के वीडियो आप अगर बनाओगे तो आपकी वीडियो वायरल होने के काफ़ी चांस है, बिकॉज ये ट्रेंड अभी अभी आया है और ज़्यादा बंदों ने अभी यूज़ भी नहीं किया है, तो आप इसलिए यूज़ करोगे तो आपकी वीडियो वायरल हो सकती है। अब बात कर लेते हैं ये वीडियो बनेगी कैसे। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है एंड वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप वहाँ पर जाओगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले फर्स्ट में आना है, जो मेरा लोगो दिखाई दे रहा है यहाँ पे आना है। देन उसके बाद आपको नीचे काइन मास्टर का लिंक मिलेगा, यहाँ से आपको डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना है, सेव टू डाउनलोड कर सकते हो आप। एंड जैसे आप इसे डाउनलोड कर लोगे उसके बाद इंस्टॉल करना है और आपको कोई भी वाटरमार्क की प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे फीचर्स आपको एनेबल मिलेंगे। एंड अभी रिसेंटली मैंने यहाँ पे पोस्ट डाली है, आपको ये वीडियो जरूर डाउनलोड करनी है, जो वीडियो मैंने आपको अभी प्ले करके दिखाई है ये वीडियो भी आपको डाउनलोड करनी है। कैसे करनी है वो भी समझा देता हूँ। थ्री डॉट पे क्लिक करना है और सेव टू डाउनलोड से सेव टू गैलरी कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको ये वीडियो मिल जाए एडिट करते समय। तो दोस्तों अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक पे क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं आ पाते हो तो आपको सिंपली टेलीग्राम में आना है एंड सर्च कर लेना है डिजिटल रावण, जो मेरे चैनल का नाम है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको अपने दो फोटोज़ चाहिए, एक बचपन का और एक जवानी का। अगर आपके पास बचपन का फ़ोटो नहीं है तो आप इंटरनेट से किसी का भी उठा सकते हो और उसके बाद आपको काइन मास्टर ओपन कर लेना है। तो दोस्तों जैसे ही आप काइन मास्टर को ओपन कर लोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। एंड आपको अगर आपने कभी यूज़ किया है तो आपको पता होगा कि रील्स की वीडियो किस रेशियो में एडिट होती हैं, 9:16 में एडिट होती हैं। एंड आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देन उसके बाद आपको इमेजेस पे क्लिक करना है एंड काइन मास्टर में रहते रहते आपको एक बैकग्राउंड ले लेना है। और ये बैकग्राउंड आपको कैसे लेना है, आपको सिंपली जो मीडिया का ऑप्शन है ना यहाँ से लेना है। इसके बाद हमारा मीडिया कोई भी काम नहीं रहेगा, आप ये बात भी ध्यान रखना, आगे का बताऊंगा क्या करना है। इसको थोड़ा 10 सेकंड तक कर लेना। तो दोस्तों वीडियो एडिट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको इंस्टाग्राम से रिलेटेड कोई भी पेड सर्विस चाहिए, ध्यान रहे पेड सर्विस, आपको फॉलोवर्स चाहिए, लाइक्स चाहिए, व्यूज़ चाहिए, कमेंट्स चाहिए, कोई वीडियो वायरल कराना है, इससे रिलेटेड आपको कोई भी सर्विस चाहिए तो आपको साइड में स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझसे इंस्टाग्राम पे भी, देन आप कॉल भी कर सकते हो। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, जैसे ही आप बैकग्राउंड लोगे, बैकग्राउंड लेने के बाद आपको लेयर में जाना है, सारा काम आपको अभी लेयर पे जाके ही करना है, लेयर पे जाना है एंड मीडिया पे क्लिक करना है। लेयर पे जाओगे, मीडिया पे क्लिक करोगे तो आपको वो वीडियो लेनी है जो आपने डाउनलोड करी है टेलीग्राम चैनल से। तो मैंने ये वीडियो ले ली है, मेरे को इस वीडियो का कोई भी काम नहीं है, मेरे को सिर्फ इसका ऑडियो एक्सट्रैक्ट करना है। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे नीचे आना है एक्सट्रैक्ट ऑडियो। तो दोस्तों मेरे इस काइन मास्टर में तो नीचे एक्सट्रैक्ट ऑडियो का अलग से ऑप्शन है, अगर आपके में नहीं है तो आपको दूसरा तरीका यूज़ करना है, वो क्या है, आपको ट्रिम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, कैंची वाले पे, और आपको सबसे लास्ट में एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, एकदम कन्फर्म है 100% आपको यहाँ मिलेगा। तो आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन मेरे पास तो नीचे है, डायरेक्ट नीचे आऊँगा मैं एंड एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। जैसे एक्सट्रैक्ट पे मैंने क्लिक किया तो इसकी ऑडियो नीचे आ चुकी है, ऑडियो की लेयर। अब आपको करना क्या है, वीडियो लेयर को डिलीट करने के लिए साइड में आपको बार दिखाई दे रहा होगा और जो ये की का ऑप्शन है उससे नीचे एक डिलीट का भी ऑप्शन है, आपको यहाँ पर क्लिक करके वीडियो लेयर को डिलीट कर देना है। अब आपको ऑडियो लेयर पे क्लिक करना है, वो क्यों करना है, क्योंकि हमें बैकग्राउंड को और ऑडियो को सेम रखना है, पैरेलल रखना है, अभी बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा हो गया। तो सबसे लास्ट में आना है, ऑडियो लेयर पे क्लिक करके लास्ट में आना है और उसके बाद हमें बैकग्राउंड लेयर पे क्लिक कर देना है और फिर कैची वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ट्रिम टू राइट कर देना है। इससे क्या होगा कि ये दोनों पैरेलल ट्रिम हो जाएंगे। और अब आपको करना क्या है कि दोनों अंगूठों की सहायता से इसको थोड़ा खींच लेना है ताकि ये दोनों लेयर लंबी हो जाएं और हम अच्छे से एडिट कर सकें। उसके बाद दोस्तों आपको अपना फ़ोटो लेना है बचपन वाला, और वो कैसे लेना है, लेयर पे जाना है और मीडिया पे जाना है, डायरेक्ट मीडिया पे मत जाना, मैंने 2-3 बार बता चुका हूँ ये बात। अब आपको कोई भी फ़ोटो ले लेना है, मैं एक लड़के का फ़ोटो डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ तो इसको ले लेता हूँ मैं, और इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं आप, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं इसको एडिट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब आपको यहाँ से कर देना है कट, अब आपका फ़ोटो आ चुका है। अब दोस्तों आपको ऑडियो की जो लेयर है ना, ऑडियो की लेयर में आपको एक बीट दिखाई दे रही होगी, देखो यहाँ पे जहाँ पे मैं इस लाइनिंग को रोकूंगा, देखिए आपको यहाँ पे रुक जाना है और आपको जो फ़ोटो है ना नीचे वाला, मतलब बचपन का फ़ोटो है, उस पर क्लिक करना है और इसको ट्रिम टू राइट कर देना है। ध्यान रहे आपको यहाँ पे आना है बीट पे, जहाँ पे बीट है, और ट्रिम करने के बाद आपको कुछ नहीं छेड़ना है, यहीं पे रुक जाना है और दोबारा लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, एंड आपको वो फ़ोटो लेना है जो आपका जवानी का है। मैं यहाँ पे एक रोहित का फ़ोटो ले लेता हूँ और कुछ इस तरीके से एडिट कर दिया इसको। और दोस्तों अब आपको करना है क्या, सबसे लास्ट में आना है और इस रोहित का जो एक्स्ट्रा पार्ट है फ़ोटो का, इसको डिलीट कर देना है। तो दोस्तों मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ लेकिन डिलीट नहीं हो रहा है, हो गया।
तो दोस्तों अब आपको सबसे फर्स्ट में आना है। सबसे फर्स्ट में आने के बाद अब आपको करना है क्या, देखिए पहले फोटो में तो हमें कोई एनिमेशन नहीं लगाना है, लेकिन दूसरे फोटो में एनिमेशन लगाना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरे फोटो लेयर पर क्लिक करना है एंड इन एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पर आप आके आपको ड्रॉप का एक ऑप्शन मिल जाएगा। मेरे को सबसे बेस्ट लगता है ड्रॉप वाला, आप भी यूज़ कर सकते हो, बाकी इसमें काफ़ी है, चेक कर लेना। अब दोस्तों मैं एक बार माइक रिमूव कर लेता हूँ बिकॉज मैं ऑडियो नहीं सुन पाऊँगा, तो माइक रिमूव करके एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि वीडियो कैसी एडिट हुई है। तो हाँ जी गाइज, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो एडिट करनी आ गई होगी, लेकिन इसके बाद आपको इसे एक्सपोर्ट करना है। वो कैसे करना है, आपको ऊपर देखिए एरो ऑप्शन दिखाई दे रहा है एक्सपोर्ट के लिए, यहाँ पे क्लिक करना है और इसे यहाँ से सेव कर लेना है। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, आप इसे आसानी से एडिट कर पाओगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर देना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, और इसके साथ साथ आप टेलीग्राम पे भी मुझे सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज मैं ऐसी वीडियोज़ की अपडेट वहाँ पे पहले ही देता रहता हूँ। तो थैंक यू गाइज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।